अरे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग बेटे हमसे आज में भाई बहन पढ़ाएंगे अभी शेर पढ़ाई नहीं अभी के बन के मैं खा हवा में बैठ गया होता के बन के मैं खाक हवा में बिखर गया होता या रसूल अल्लाह आप की याद ना होती तो मैं मर गया होता। एक बार मचल के कहे या रसूल अल्लाह माशाल्लाह और कहे लबैक या रसूल अल्लाह माशाल्लाह के बन के मैं खाक हवा में बिखर गया होता या रसूल अल्लाह आपकी याद ना होती तो मैं मर गया होता। और पलट आया सूरज तो इसमें हैरत क्या वो चाहते थे समी पर शायर लोग पैसा दे दे तो समझ लीजिए नकीबों का काम हो गया। मैं तो कहीं पे ये भी कहता हूँ कि नोटों की गर्मियों से धागा सिमट न जाए इतना मिले हमको छूट के सदरी मेरी फट जाए। और कहीं कहीं ये भी कह देता हूँ इश्क का तूफान यहीं पे चलता है चाह हनुमान यहीं पे चलता है जिसको छोटा लेना हो यही आगे लीजिए कटा फटा नोट यहीं पे चलता है। हसरत बड़ी तेजी के साथ आप तकरीर सुनने के लिए तैयार है एक बार मचल के कहे या रसूल अल्लाह नहीं भाई कुछ लोग तैयार नहीं है। हाँ ये बात सच है ये तल्ख हकीकत है कि लोग तकरीर सुनना नहीं चाहते हैं। अभी मैं एक नए प्रोग्राम में था एक हजरत तकरीर कर रहे थे तकरीर करते करते एक नौजवान खड़ा हुआ हजरत तकरीर कर रहे थे कि जलसे में सब मिलेगा एक शख्स खड़ा हुआ खैनी था हाथ में कहा हजरत क्या खैनी मिलेगी क्या खैनी मिलेगी तो हजरत को जलाल आया गुस्से में आए और कहने लगे हाँ जन्नत में खैनी मिलेगी लेकिन थूकने के लिए जहन्नम में जाना थूकने के लिए जहन्नम में जाना होगा। हजरत मैं बाद में भी लतीफा सुनाता रहूंगा अब तमाम इज्जत तैयार हो जाए खतीबे आज़म इस्लाम खतीबे मर्तबार गुलाम मुमताज शरिया हजरत अल्लामा व मौलाना मुमताज आलम साहिब क़िबला जो बंगला सुबान के मुकर्रर हैं बहुत अच्छे खतीब हैं अब तमाम इज्जत समाप्त करेंगे जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लखनऊ के कोई अदीब बोलते हो जब बोलते हैं ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बोलते हो। आप तमाम इज्जत डरते लोग तो नहीं है ना नहीं डरते हैं ना एक बार मचल के कहे या रसूल अल्लाह शायद आप लोग डरते हैं हुकूमत हिंद से बचा दे हुकूमत हिंद को बोल देना कि सुना था वो भारत के मुकद्दर को संवार के सुना था वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा हमें सालिम बताकर हमारा सर उतारेगा सुना था वो भारत के मुकद्दर को संवारेगा हमें सालिम बताकर हमारा सर उतारेगा हमारे सामने तो है करबला की दास्तां रखी ये चाय वाले हमें खाक मारेगा माशाल्लाह अजमल भाई सपोर्ट कर रहे हैं हार के लिए तो मैं कुछ तैयारी करके नहीं आया था लेकिन साथ साथ में पैसे भी मिल रहे हैं। मैं कभी ये भी कह देता हूँ कि शूरो फ्रॉम निखरता जा रहा है मेरा इश्क समरता जा रहा है मैं मेहनत से पढ़ रहा हूँ नबी की नात मेरा पाव पाव भी भरता जा रहा है। आइए किसी के साथ साथ खतीब भाई से बात करें नारे तकबीर नारे रिसालत नारे तौहीद मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत के हबीबे किबरिया मुख्तार आलम शाह महशर जिस मर्तबे पे वो है जिस मर्तबे पे हम वैसा समझते हैं और मुखातब करते हैं कुछ लोग हम जैसा बशर अरे वो क्या है और ये नादा